कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। पितरों के कारण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। जब पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानियां हों, संतान हानि हो अथवा संतान को कष्ट हो, तो यह उपाय करना चाहिए। किंतु शुभ समय अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करने के लिए जाने अनजाने में किए गए अपराध अपेक्षा की याचना करें। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का यथोचित पाठ करें। आप अपने घर पे भी भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। जरूरी नहीं बहुत बड़ा आप प्रचार करके कराएं, ब्राह्मण को बुला करके आप भागवत जी का पाठ अपने घर में करा दें। यदि भागवत का पाठ कराने में समर्थ नहीं है तो श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ कराएं। उस पाठ के फल से पितरों को प्राप्त होने की कामना करें कि पितर हमारे प्रसन्न हो। यह करने से पितर अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी मुक्ति हेतु मार्ग भी प्रशस्त हो जाते हैं, मुक्ति के मार्ग भी उनको खुल जाते हैं। अपने पितरों की प्रसन्नता हेतु अन्य उपायों के साथ साथ ऐसे भी उपाय आप कर सकते हैं। यदि आपके अपने पूर्वज जिनको आपसे अत्यधिक लगाव था, जो आपको अत्यधिक स्नेह करते थे, चाहते थे, वो चले गए हैं इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ने के बाद में, देवलोक गमन कर गए हैं और तिथि याद है आपको, उनकी तिथि याद है कि किस तिथि को उनका गमन हुआ था, किस तिथि को वो गए थे, तो आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी मंदिर में जाइए और अपने पितर की स्मृति में वहाँ पर वृक्ष लगा दीजिए। पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष और अत्यधिक प्रिय पीपल ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ना पीपल मिले तो नीम लगाएं। और उस वृक्ष को उनकी स्मृति में लगाइएगा और उस वृक्ष में समय समय पर जा कर के आप उसको कवर भी कर दीजिएगा कि कोई इसको तोड़े ना, उसमें जल भी डालिएगा, तो वो वृक्ष जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त होगा पितर आपके प्रसन्न होंगे। इस वृक्ष को नियमित रूप से आप जल दीजिएगा और जब वहाँ पर जाएं तो अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप जरूर करते रहें। मंत्र जाप के पश्चात हाथ जोड़ करके उस वृक्ष को प्रणाम करके और स्थिर देवताओं से अपने पूर्वजों की सदगति के लिए प्रार्थना करें। उस वृक्ष के जो देवता हैं, जितने भी पत्ते हैं, सभी देवता हैं, सभी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे पितर प्रसन्न हो और नित्य पीपल को सींचने मात्र से, नित्य पीपल को जल देने मात्र से, विष्णु मंत्र जाप करने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से और पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने से तथा अनेकह अनेक तरह से पितरों की प्रसन्नता हेतु ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणा, मिष्ठान्य, फल इत्यादि दान, वस्त्र इत्यादि देने से, सुवर्ण दान, अनेक अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी दान दे सकते वो दान देने से पितर होते हैं प्रसन्न और करते हैं आपके जीवन में मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद। तो आगे हम आपसे और भी चर्चाएँ करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगा।